पूर्व मुख्यमंत्री और सह प्रभारी नितिन भाई जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री भजनलाल जी शर्मा है, प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। अर्जुन राम जी मेघवाल का नाम लिया है भाई। और ये हमारी जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, ये चार दिशाओं से प्रारंभ हुई, जैसा कि आपको पता है। 2 सितंबर को त्रिनेत्र एवं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक के लोग आते हैं रामदेव अपना पवित्र स्थान। वहां से यात्रा प्रारंभ हुई, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने यात्रा के शुभारंभ। हर यात्रा में आप देखेंगे 200 के आसपास स्वागत और सभाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी है, जिसको हम जनसभा बोलते हैं। 9,000 से ज्यादा किलोमीटर ये यात्रा चली, केंद्र के नेताओं ने भी इसमें हिस्से भरे और जनता का भी अपार समर्थन मिला। लोकसभा में देखने को मिले सभी दलों का समर्थन, प्रधानमंत्री जी ने शुक्रिया अदा किया, महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। जो व्यवस्थाएं हैं वो मातृशक्ति ने संभाली है, ऐसा भजनलाल जी ने पहले भी आपको प्रेस को बताया और वो प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश गया है। 3 दशक से अटका हुआ ये बिल, और वो भी बाद जब वो जयपुर आ रहे हैं तो महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे और प्रधानमंत्री जी जो हमारी जो गांव है उस समय 12 सितंबर, उसके बाद अटल जी के समय ये आया इंट्रोडक्शन 12वीं लोकसभा में, उसके बाद ये 13वीं लोकसभा में आया अटल जी के समय, फिर तब के भाषण में देख रहा था। तो किस तरह का कुछ लोगों ने इसको हाईजेक किया, विरोध किया। फिर 2004 में जब कांग्रेस आई, यूपीए की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने पता नहीं क्यों तय किया कि हम इसको पहले राज्यसभा में पास कराएं। चलो राज्यसभा में पास कराते, फिर लोकसभा में भी पास करा देते। लास्ट राज्यसभा में 9 मार्च 2010 हंगामा आपने देखा, हिम्मत नहीं जुटा। एक तरफ सत्ता थी, एक तरफ ये बिल, तो जब उन्होंने तराजू में तोला तो उनको लगा कि सत्ता हमारी चली जाए, तो बिल को तोड़ दिया। ये बिल का एक कालखंड, देश की जनता ने एक स्टेबल गवर्नमेंट दी, सहमति बनाने की प्रक्रिया में जुड़ने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं का परिणाम हमें लोकसभा राज्यसभा में देखने का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी सुनती